नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे R35 का। सहारा इवोल्व्स के शोरूम पे ये अवेलेबल है, तो इसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे। ये स्कूटर कितने किलोमीटर चलती है, क्या इसका चार्जिंग टाइम है और कैसा फीचर इसमें आपको ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर लाइट्स दी गई हैं जो कि इंडिकेटर्स ऑन करने पर ये ऑन होती है और खास अच्छी लगती है। अगर हम नीचे देते हैं, यहाँ पर हैलोजन हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है, और उसके हम नीचे देखें तो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स के साथ 10 इंच के जो है एलॉय व्हील्स मिलते हैं, और इसमें आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। सहारा इवोल्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप जहां भी इसको ख़रीदना चाहिएगा तो सहारा इवोल्व्स के जो शोरूम है वहां पे आपको मिल जाएगी। साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, और इस तरह का कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि एक LED है। और यहाँ पे हम रेंज, किलोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, ETC देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम, ETC, और हॉर्न यहाँ पे है। हॉर्न एक बार हम बजा के आपको सुनाते हैं। इधर भी है, दोनों तरफ दिया गया है। उसके बाद हम और थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ओकिनावा की ब्रांडिंग मिलेगी क्योंकि ओकिनावा की तरफ से ऑफ़र की जा रही है। और यहाँ पे ग्रैबरेल मिल जाता है, इतना बड़ा कुछ आपको सीट मिल जाएगा, और इस तरह की स्टेयरिंग का जो है, मतलब टोटल आपको इतनी बड़ी एक स्कूटर मिल जाएगी, दो लोग इस पर आराम से बैठ के चल सकते हैं। एक लेडीज़ फुटरेस्ट भी यहाँ पे लगा के दिया गया है, और यहाँ पे भी अगर पैर कोई रखना चाहे तो पैर रख सकता है, और जो बंदा स्कूटर चलाएगा उसके लिए अच्छा खासा यहाँ पे फुटरेस्ट एरिया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक आपको ग्लव बॉक्स टाइप का मिल जाएगा, तो अगर आप कुछ सामान रखना चाहते हैं तो दोनों तरफ छोटे छोटे जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और इसमें आपको मिलती है रिमूवेबल बैटरी, और की फंक्शन से ही आपका जो है, की से ही आपका जो है अंडर सीट स्टोरेज ओपन होता है। तो ये हम पहले आपको चार्जर दिखा देते हैं। तो चार्जर का हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी ओकिनावा बेस्ड ही हैं, और चार्जर का आप जो है स्पेसिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आपको यहाँ बैटरी रिमूव करके दिखाते हैं कि बैटरी किस तरह से रिमूव करके आप जो है इसको अपने घर में ले जाके भी चार्ज कर सकते हैं। ये बैटरी, और इसको यहाँ से प्लग से रिमूव करके डायरेक्ट चार्जर आप इसमें इनपुट दे सकते हैं। 48 वोल्ट, 28 एम्पियर की ये बैटरी आपको मिल जाया करती है, और इसके जो है ढक्कन को लगाने के बाद कुछ इतना स्पेस आपको अंडर सीट स्टोरेज में मिलता है। उसके बाद इस तरफ पुश करने पे ये बंद हो जाती है। थोड़ा हम रियर में आते हैं, तो इसमें आपको मिलता है 250 वाट का वाटरप्रूफ मोटर। इसमें आपको 10 इंच के व्हील्स मिलते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ, और ये जो मोटर है आपको 250 वाट का है, और ये वाटरप्रूफ आपको मिल जाता है। फ्रंट वाला भी जो आपका टायर है वो भी ट्यूबलेस है, और ये भी ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे मिलता है। रियर के सस्पेंशन सेटअप को आप देख सकते हैं, और ये कैसे डायमंड कट का जो है डिज़ाइन आपके मोटर पर यहाँ पर बनाया गया है। इधर भी हम देखें तो सेम डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी, और लेफ्ट राइट हैंड साइड से इस तरह की स्कूटर आपको देखने में लगती है। चलिए इसको हम चला कर देखते हैं, और लास्ट में हमें आपको टेल लैंप दिखा देते हैं। टेल लैंप कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखाई देता है, और ये ग्रीन नंबर प्लेट आपको यहाँ पे दिखता है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है इसको चलाने के लिए, क्योंकि इसका कंपनी क्लेम स्पीड 25 है, लेकिन 40 की स्पीड तक चली जाती है, जिसको हम अभी रोड पर आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसको रोड पर लेके चलते हैं। चलिए तब इसको चलाते हैं। तो इसमें आपको लिथियम आयन बैटरी ऑफर की जाती है, और बहुत ही आसानी से आपके पैर इस पर ज़मीन पर आ जाते हैं, मतलब लेडीज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट हो सकती है। और मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूं, वरना आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हम दो लोग बैठ के जाएंगे, मेरे साथ एक और आदमी है, तो चलिए बैठते हैं। कैसा इसका पावर है उसको देखेंगे। तो ये किसी टाइप का झटके नहीं लेके चलती है, जैसा कि मैं आपको एक्सीलेटर ले लेके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये स्मूथली जो है पिकअप करती है। उसका जो पैर रखने का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो थोड़ा सा और अगर ज़मीन और इसके नॉर्मल स्कूटीज़ के मुकाबले देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर उठा के पैर रखना पड़ता है, क्योंकि पहले इसमें लेड एसिड बैटरी आती थी, तो उसी का डिज़ाइन लगभग ये चेसी है, उसी में अब जो है लिथियम आयन बैटरी आपको ऑफ़र की जाती है। और इस तरह से ये चल रही है, लगभग 40 का स्पीड जो है ये पकड़ लेती है दो लोगों पर। और इसमें आपको किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस और जो है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, तो आपको जो है थोड़ा कॉस्ट वहाँ पे आपका बच जाता है। ओवरऑल इसको, इस बैटरी, लिथियम आयन बैटरी को आपको चार्ज करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और 60 से 70 किलोमीटर के बीच का ये आपको रेंज दे सकती है, ऐसा कंपनी बोलती है कि जो इसका फुल चार्ज में आपको जो है 60-65 किलोमीटर ये स्कूटर आपकी चल जाएगी।
और बाकी कुछ इस तरीके से आप इसको आराम से अपने रोडों पे जहाँ भी आप जाना चाहें वहाँ पे जा सकते हैं। एक स्पीड भी एक ठीक ठाक इसमें मिल जाती है। इसमें दो मोड्स भी दिए गए हैं, लेट मी चेक। तो एक मोड में उस मोड का कोई काम नहीं है बेसिकली। यहाँ पे हमें 40 का स्पीड ही जो है मिलता है और आराम से आप चलते रह सकते हैं। अगर इसको डबल स्टैंड पे हम चेक करें तो 52 तक जाता है, लेकिन 52 तक हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो है स्कूटर है उसका उतना रेंज नहीं है। बाकी नॉर्मल लोकल रोड्स के लिए अगर आप बात करें तो चला जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अगर हैंडलिंग की बात करें तो थोड़ा मतलब और बैठ के गाड़ी चल सकता था ज़मीन पे, लेकिन फिर भी सही है क्योंकि वज़न इसका लगभग 70 केजी के आसपास ही जाता है। 70 केजी से ज़्यादा का ये जो है स्कूटर नहीं है, 70-75 केजी का ये स्कूटर है। आपको आगे और पीछे दोनों ड्रम ब्रेक्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। ब्रेक स्मूथ है, बहुत ज़्यादा पैनिक ब्रेक की ब्रेकिंग आप नहीं कर सकते हैं लाइक दिस। तो आप रोक सकते हैं क्योंकि इसकी स्पीड कम है, तो आप रोक भी सकते हैं इसको आराम से। तो यही है इस स्कूटर का रिव्यू। बाकी हम देखें तो चलाने में स्मूथ है, आप आराम से चला सकते हैं। नए लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं ऐसी। और टॉप स्पीड जो है 40 से 41 तक का हो गया है, और देखते हैं आगे कितनी तक जाती है। अगर लगातार हम मैंने पूरा एक्सीलेटर जो है जो इसका रेंज है उसको पूरा मैंने खींच के रखा है, 42 तक गई तो मैक्सिमम मुझे लगता है 42 तक ही जाएगी। उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन ना रखें क्योंकि 130 केजी के आसपास पे लोड होता है, 130 केजी से 150 केजी तक का पे लोड होता है। तो उतना ही वज़न हम इस पे डाल के इसको जो है आगे की ओर ले जा सकते हैं। उससे ज़्यादा वज़न डालने पे इसका जो कंट्रोलर है वो लोड लिमिटर लेके उसको बंद कर देता है आपके स्कूटर को। बाकी ये चीज़ है कि एक्सेलरेशन जो है वो स्मूथ कर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि आप एक्सेलरेटर लेते हैं और भट से झटका लेती है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है जो कि पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आती थी। तो डे बाय डे जो है ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। तो यही थी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू। और अगर आप पटना से हैं और इसको इसका टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं या परचेस करना चाहते हैं तो सहारा इवोल्व शोरूम का जो है कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बाय बाय।